हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई शिक्षा के। स्टूडेंट, हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द वेरी बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझा है। नेक्स्ट, जब ऑरिजिनेट होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल, सो इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी डील किया हुआ है। स्टूडेंट, हम आपको रिफ़र करेंगे कि आप ज़रूर इस आई बटन को क्लिक करके वीडियोस को ज़रूर देखें, सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम वेरी बेसिक्स। स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पर एक और बात हाईलाइट करना चाहेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं एंड इवन आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, सो उनको ये टॉपिक समझने में भी प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा कि ये जो कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है, ये इस तरह से डिज़ाइंड है कि वेरी बेसिक्स अगर कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट जिनको सिर्फ NPR NCR करके ही इस ना टॉपिक्स को स्टार्ट कर लिया जाता है, बट दिस इज़ नॉट ओनली द फार्मूला, क्योंकि आप अगर डीप अंडरस्टैंडिंग अगर क्वेश्चंस अगर आपको मिलने लगेंगे तो यू कैन नॉट वर्क आउट ओनली हैव सम फार्मूला आइडिया एंड ऑल, है ना। जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप उसको अच्छे से वर्क यहाँ पर इस टॉपिक को नहीं कर पाइएगा। सो डू कम्प्लीट दिस होल सीरीज, ओके। और यहाँ पर जो हमारा ये सीरीज़ अब कंटिन्यू हो रहा है, ये आपको लेक्चर्स ट्यूसडे अल्टरनेट, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 5 PM ये वीडियोस पब्लिश किए जाएंगे, जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होता है स्टूडेंट, ओके। सो नाउ हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डील किया हुआ है ऑलरेडी, इस पर आज रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सो इन दिस क्वेश्चन यू आर आस्क्ड दैट अ वॉवेल, अ कॉन्सोनेंट एंड अ डिजिट, ओके, हैज़ टू बी चोजन आउट इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस, ओके। सो देखो हम लोग क्या किया, आपको दे रहा है क्या, आप वॉवेल ले सकते हो, एक वॉवेल आपको लेना है, एक कॉन्सोनेंट लेना है और एक डिजिट लेना है। सो जब आप वॉवेल सेलेक्ट करने जाओगे तो आपके पास 5 ऑप्शंस है ना स्टूडेंट, ए ई आई ओ यू, सो इन एनी ऑफ 5, आप 5 में से किसी को भी तो चूज कर सकते हो स्टूडेंट, सो इट इज़ 5। नाउ कॉन्सोनेंट जहाँ तक बात आएगा स्टूडेंट, तो आप कॉन्सोनेंट कितना सेलेक्ट कर सकते हो, इट विल बी 21 ऑप्शंस यू हैव, एंड अबाउट द डिजिट्स यू हैव 0 to 9, ओके, 0 to 9 आपके टोटल डिजिट्स कितने होते हैं स्टूडेंट, 10। सो ऑप्शंस आपके पास इतने अवेलेबल है, सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस, है ना, यू हैव टू चूज 3 वॉवेल, 1 कॉन्सोनेंट एंड 1 डिजिट, और जब ये आप कर लोगे तो वर्क फिनिश हो जाएगा। सो हाउ विल यू डील दैट 5, वर्क ख़त्म नहीं हुआ स्टूडेंट ना, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन से क्या करेंगे हम लोग, कॉन्सोनेंट आपका हो गया 21, ओके, इसको थोड़ा 21 into 10, ओके स्टूडेंट, सो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 105 और एक 0, ओके। सो इन दिस नंबर ऑफ वेज यू कैन डू दिस टास्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 बॉयज़ है एंड 14 गर्ल्स है, एंड द टीचर हैज़ टू सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ओके, सो इन हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल। सो थिंक स्टूडेंट, अगर आपके पास टोटल 27 बॉयज़ है, ओके, तो ऑप्शंस भी 27 ही है, एक टीचर के सामने 27 बॉयज़ है, सो ही हैज़ 27 ऑप्शंस, एंड फॉर गर्ल्स है ना सेलेक्ट करना है, उसके पास 14 ऑप्शंस है, सो आंसर विल बी व्हाट, इट इज़ इजी, 27 into 40, व्हाट द वैल्यू विल बी इज 378। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टूडेंट, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस दैन 100, ओके, इट मेंशन लेस दैन 1000, ओके, सो लेस दैन अगर 1000 देखेंगे स्टूडेंट, तो डिजिट जो है वो हो सकता है 1 डिजिट नंबर हो, दैट इज़ 0 to 9, है ना, देन कहता है 1000 से लेस है, तो ये भी हो सकता है कि वो 2 डिजिट का नंबर हो, और ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि वो 3 डिजिट का नंबर हो। फर्दर ये मेंशन करता है
कि आपको जो डिजिट सेलेक्ट करना है वो कुछ कोई भी डिजिट नहीं, आपको इन्हीं 4 डिजिट्स में से है ना सिलेक्शन करना है। एंड अगर आपने एक डिजिट एक बार सेलेक्ट कर लिया है तो आप रिपीटेशन यहाँ अलाउड है। मीन्स क्या, अगर आपने 7 अगर ले लिया है ऑलरेडी तो आप वापस 7 लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, सो एंड द नंबर विल बी ऑड नंबर। ओके, सो कैसे करेंगे? सो 1 डिजिट के नंबर के लिए हम लोग फर्स्ट सोचते हैं स्टूडेंट। सोचो अगर आप 4 डिजिट्स को ले रहे हो, नंबर आपका ऑड होना चाहिए। ओके, सो आप क्या क्या प्लेस कर सकते हो? यहाँ तो क्लियर है स्टूडेंट, आप 0 पुट नहीं कर सकते, यहाँ 2 पुट नहीं कर सकते हैं। आपके पास ये ऑड नंबर के लिए 2 ही ऑप्शंस है, इधर यू प्लेस 5 और 7। सो यू हैव 2 ऑप्शंस। ओके, यू हैव 2 ऑप्शंस हेयर। सो इसको कितने वे से किया जा सकता है? 2। ओके, नेक्स्ट अब अगर आप 2 डिजिट का नंबर देखोगे स्टूडेंट है ना, तो 2 डिजिट का नंबर, सो समझो ऑड नंबर रखना है, ऑड नंबर रखना है तो आप बैक में तो इधर आप 5 पुट करोगे या 7 पुट करोगे। सो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है। और फर्स्ट डिजिट का जहाँ तक बात है स्टूडेंट, सो फर्स्ट डिजिट पे आप 0 नहीं रख सकते। अगर फॉर सपोज आपने रखा 07, सो 07 तो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा ना, सो यू कांट प्लेस 0 हेयर। सो देखो आपके पास यहाँ पुट करने के लिए कितने ऑप्शंस है, आइदर यू विल पुट 2, 5 और 7। अब बोलोगे 5 और 7 तो एक आपने यूज़ ऑलरेडी कर लिया है, सो द क्वेश्चन सेज ना रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, अगर आपने यहाँ अगर फॉर सपोज 5 और 7 7 को ही सेलेक्ट किया था तो यहाँ भी आप 7 को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर पुट करने के लिए आपके पास ऑप्शन कितना स्टूडेंट? 3। सो इन हाउ मैनी है ना वेज यू कैन डू दिस इज 3 × 2 दैट इज 6। जब 3 डिजिट का नंबर बात करते हैं स्टूडेंट, सो देखो यू हैव टू बी एन ऑड नंबर, सो आपके पास लास्ट डिजिट पे तो 2 ही ऑप्शंस बच रहे हैं ना, दैट इज 2। इस प्लेस पर आते हैं, आप यहाँ 0 भी पुट कर सकते, 2 भी पुट कर सकते, 5 भी पुट कर सकते और 7 भी पुट कर सकते, सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं है ना, रिपीटेशन इज अलाउड हेयर। सो हेयर इट विल बी 4 है ना, 4 ऑप्शंस है। और आप फर्स्ट प्लेस पे सोचो स्टूडेंट क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर, 0 आप पुट कर सकते हो यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है ना, अगर आप 0 डिजिट यहाँ रखते हो सो ये 2 डिजिट का बन जाएगा। तो 3 डिजिट का तो हम लोग ले करके चल रहे हैं कि हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। सो यू हैव ऑप्शंस 2, 5 एंड 7, मीन्स 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सो आप कितने वे से इसको कर लिया? 3 × 4 × 2 दैट इज व्हाट? 24। सो अब आंसर क्या होगा स्टूडेंट? देखो जब 1 डिजिट का नंबर है तो 2 वे से पॉसिबल है ना, जब 2 डिजिट का नंबर हो तो 6 वे से पॉसिबल, एंड 3 डिजिट का हो तो 24 वे से ये पॉसिबल हो सकता है। सो आवर आंसर विल बी 2 है ना प्लस 2 वे से कर लिया या 6 वे से कर लिया या 24 वे से कर लिया। सो आपका स्टूडेंट कितना हो जाएगा आंसर? 8 + 24 दैट इज 32। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर्स बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस अवेलेबल इन द लोकेलिटी। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो हम आपको बता दें स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग सेक्शन है, SSC में जो रीजनिंग सेक्शन होता है यहाँ भी ये सब पूछा जा सकता है। ओके, और ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। सो करते हैं स्टूडेंट, द क्वेश्चन सेड दैट 5 लेटर बॉक्सेज है। ओके, सो लेटर बॉक्सेज कितना है आपके पास? 5। ओके, एंड यू हैव 6 लेटर्स। ओके, चलो एक लेटर बना ही लिया। ओके, हमारे पास ऐसे कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है। ओके, सो नाउ यू हैव टू व्हाट? यू हैव टू पोस्ट। ओके, सो आपके पास अगर आप सपोज कर लो कि आपने 1 लेटर बॉक्स लिया, 1 लेटर बॉक्स अगर ले करके जाओगे तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? देखो टोटल आपके पास, आप तो किसी भी बॉक्स में पुट कर सकते हो ना, सो व्हाट यू हैव द ऑप्शन इज 5। सो यू हैव 5 ऑप्शंस टू पुट, यू कैन पुट एनी वेयर ना, सो यू हैव 5 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट लेटर। आपने फर्स्ट लेटर को पोस्ट करना है तो आपके पास 5 ऑप्शंस है। नाउ अब आप क्या करते हो, अब अगले लेटर को निकालते हो और फिर देखोगे तो आपके पास फिर से 5 ऑप्शंस होंगे ना पुट करने को, आप उनमें से कहीं भी है ना पोस्ट कर सकते हो। तो अगेन यू हैव 5 बॉक्सेस टू पुट है ना 1 इनवेलप, एंड इसी तरह से हर एक इनवेलप को के लिए आपके पास कितने स्टूडेंट ऑप्शन होंगे? 5। सो 5 × 5 5 5 × 5
एंड इन टू, जब लास्ट लेटर होगा तो आपका इन टू फाइव, सो योर आंसर विल बी व्हाट, 5 to the power 6. अगर ऑप्शन 5 to the power 6 है तो करेक्ट है ना, या फिर ऑप्शन आपको है ना मल्टीप्लाइड करके जो आ रहा होगा 1, 5, 6, 2, 5 है ना, जो भी ऑप्शन दिए है वो करेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ मेनी 3-digit numbers आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड. ओके, सो यू हैव टू हैव 3 digits. ओके, 3-digit numbers. ओके, सो 3-digit number है और आपको कहता है विथ नो डिजिट रिपीटेड. अब आप एक बार जो डिजिट यूज कर लोगे आप उस डिजिट को यूज नहीं कर सकते. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो ये 100 place है हम लोग का, और 100 place पर 3-digit number अगर बनाना है तो ये क्या हम यहाँ 0 पुट कर सकते हैं क्या, 098, सो इट कांट बी अ 3-digit number ना. तो फर्स्ट प्लेस पे तो हम लोग 0 पुट नहीं कर सकते, आप पुट करके देख लो आपका तो ये 2-digit का बन जाएगा. तो 3-digit अगर आपको बनाना है तो इस ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास उसमें तो 0 नहीं हो सकता. सो टोटल डिजिट्स आपके पास 0 to 9, टोटल 10 digits है आपके पास स्टूडेंट, और 10 digit में 0 तो आप 100 place पर रख नहीं सकते. तो ऑप्शंस कितने मिले स्टूडेंट आपको, 9. ओके, नाउ अब देखो, अब यहाँ पर ये जो 9 हमने पुट किया इस मतलब क्या हुआ कि 100 place में मैंने एक डिजिट तो पुट कर लिया, और जिस भी डिजिट को मैंने पुट कर लिया मैं उस डिजिट को तो यूज़ नहीं कर सकता. सो कैन यू थिंक कि अगर हम 10th place पे कितने ऑप्शन है मेरे पास बचे हुए हैं. सो स्टूडेंट यहाँ जवाब मिलेगा 9. कैसे, देखो यहाँ पर हम 0 भी पुट कर सकते हैं है ना, 0 to 9 सारे डिजिट्स को तो पुट ही कर सकते, यानी टोटल 10 digits को पुट ही कर सकते, बट 1 digit हैज़ बीन यूज्ड एट द 100 place ना. Why we are concerned that one digit is placed already at the 100 place? Because the question mentioned no digit should be repeated. मैंने फॉर सपोज 7 यूज कर लिया तो मैं सिर्फ 7 यहाँ यूज नहीं कर सकता. तो 10th place पे पुट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है स्टूडेंट, 9. 0 to 9 टोटल 10 है, एक डिजिट आप हटा दो आपके पास 9 ही डिजिट्स बचे स्टूडेंट. नाउ अब आ जाओ यहाँ पर यूनिट प्लेस पर. अब यूनिट प्लेस के लिए स्टूडेंट सोचोगे तो 2 digit तो आपने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है और यहाँ पर आपके पास 8 digits ही बचते हैं, सो यू हैव ऑप्शन ऑफ 8 digits. सो योर आंसर विल बी 9 into 9 81 into 8. ओके, सो योर आंसर विल बी 648. ओके, मल्टीप्लाई कर लेना है. ओके, है ना, क्योंकि हमको 3-digit number बनाना है, सो वी विल डू इट विथ मल्टीप्लाई है ना. जब तक टास्क खत्म नहीं होता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चंस को आप है ना खुद से फर्स्ट जरूर करिए है ना, करने के बाद अगर माइंड स्ट्राइक होता है देन है ना वीडियो को देखिए है ना, इट विल बी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो कैसे करेंगे स्टूडेंट इसको है ना, देखते हैं. क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड चार्जेस बी अरेंज इन सच अ वे दैट वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर. ओके, वॉवेल शुड ऑलवेज कम टुगेदर. सो वर्ड तो देखो स्टूडेंट, CHARGES. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बोले ना ऑलवेज वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर. ओके, ऐसा कुछ होगा ऑलवेज कम टुगेदर. तो देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले वॉवेल को सेलेक्ट करो, ए एंड ई. सो इसको CHARGES जो वॉवेल्स नहीं है उसको हटाते हैं, जो वॉवेल्स है उसको क्या इनको क्या बोलता है स्टूडेंट, इनको इनको हमेशा साथ ही रहना है. ओके, लेके पकड़ के डब्बे में बंद कर दो. ओके, है ना, डब्बे में बंद हो गया. सो ये दोनों तो हमेशा एक साथ रहेगा. नाउ लेट है ना, इसको अभी आप ऐसे समझो कि एक सिंगल लेटर की तरह है, बिकॉज दे ऑलवेज शुड कम टुगेदर ना. सो अब देखो इस तरह काउंट करो कि अब तुम्हारे पास चार्जेस वर्ड है ना, चार्जेस जो आपका लेटर है इसमें कितने है ना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल क्या है 7 letters है स्टूडेंट. और 7 letters को अब ऐसे ट्रीट करना है, जब ये क्वेश्चन बना ऑलवेज कम टुगेदर तो ए और ई को लेकर बाइंड कर दो और एक सिंगल अभी फिलहाल के लिए आप लेटर समझो. तो देखो अब कितने हो जाएंगे, 6 letters है ना, मैं क्योंकि मैंने 2 को तो बाइंड कर दिया, तो 1 2 3 4 5. ओके, एक वर्ड CHARGES
ए है ना, ए आर जी यहाँ पर ई एस, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 लेटर्स है, तो अब 6 लेटर्स है हम लोग हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 ओके ओके करेक्ट है ना, सो 6 लेटर्स है। सो अब क्या करना है, अब 6 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो स्टूडेंट है ना, फैक्टोरियल याद होगा कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर से, जरूर देखिए स्टूडेंट है ना फर्स्ट लेक्चर। सो 6 फैक्टोरियल वे से आप इसको अरेंज कर सकते हैं ना, डिफरेंट वेज से। ओके नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अब जब 1e क्या, 1e को अगर आप बाइंड किए हो, ओके जब 1e को ae को सॉरी ae को जब आप बाइंड अप किए हो तो ae एक साथ है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ae में ae इस तरह हो या ये हो, मीन्स यहाँ पर क्या है, आप इसको भी तो दो तरह से अरेंज कर सकते हो, दैट इज टू फैक्टोरियल, ओके टू फैक्टोरियल, और यू कैन से 2 into 1 है ना, दैट इज 2, ओके सो योर आंसर विल बी व्हाट, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इधर ऑप्शंस में आपको ये मिल जाएंगे, या फिर 6 फैक्टोरियल का आप तो वैल्यू जानते हो क्या होता है स्टूडेंट, 6 5 4 3 2 ओके इंटू 1 एंड 2 फैक्टोरियल इज व्हाट, 2 into 1, सो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, ओके आपका वैल्यू होने जा रहा है ये 720 into 2, ओके आपका आंसर कितना आ गया, 1440 ओके ऑप्शंस में ये भी दे दिया जा सकता है ना, आप किसी स्प्लिट फॉर्म में भी दे दिया सकता है, डायरेक्ट आंसर भी दे दिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 1000, ओके इन बिटवीन आपको 100 to 1000 लेना है ना, सो आप देखो यानी आपका नंबर होगा 101 से कहाँ तक, 999 तक, ओके और आप देखो ये सारे के सारे क्या है, 3 digits ही नंबर बनेंगे है ना, सो चलो 3 box। फिर क्वेश्चन कहता है विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट एज 7, ओके सो ये 3 digits में हम लोगों को 7 digits जरूर यूज़ करना है, और जब 7 digits एक बार ओनली वन टाइम्स ना एग्जैक्टली वन टाइम्स यूज़ करना है, तो आपके माइंड में आएगा कि 7 एक बार हम फिक्स कर देते हैं कि वो आगे आपका 100 प्लेस पर, ओके देन आपका 7 जो है वो आ गया 10th प्लेस पे है ना, और जब वो आ जाएगा तो और दूसरी जगह 7 यूज़ भी नहीं कर सकते है ना, आपको एक ही बार यूज़ करना है, और आप ले सकते हो कहाँ पर, यूनिट प्लेस पर, ओके तो ये 7 केसेस आपके पास जनरेट हो रहे हैं, ओके अब देखते हैं हर एक केस के लिए स्टूडेंट इसको करते हैं। चलो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, 7 जब पहले 100 प्लेस पर है, ओके तो देखो टोटल हमारे पास ऑप्शंस है 0 to 9 digits है, तो टोटल तो 9 digits है, और 9 digits में हम लोग सॉरी टोटल कितना हो गया, 10 digits हो गया, सो 10 digits में 1 digit इज़ ऑलरेडी यूज्ड, ओके 7, सो हमारे पास बचे कितने ऑप्शन स्टूडेंट है ना, 9 options बचे हैं, तो जब यहाँ यूनिट प्लेस हम लोग का यूनिट प्लेस का बात आया या टेंथ प्लेस का है ना बात आया, तो हम लोग के पास यहाँ देखते हैं कितना ऑप्शंस बच रहे हैं, टोटल 9 options ही बचेंगे है ना, 0 to है ना, क्योंकि 100 digit में तो 1 digit ऑलरेडी 7 फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो इसको हम कितने तरीके से यहाँ रख सकते हैं, बस एक ही तरीका, आप यहाँ पर एक ही ऑप्शन ही, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको यहाँ 7 ही रखना, तो 7 ही को ले सकते हो, यानी एक तरीका, इनटू 10th प्लेस पर है ना आप क्या रख सकते हो, आप रिमेनिंग है ना 9 digits में किसी को भी रख सकते हो है ना, या 0 को भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो इनटू 9 इनटू यहाँ पर आप कितने डिजिट्स को रख सकते हो, अगेन क्या 9 digits है ना, सारे 9 digits है ना 7 को छोड़ करके आपके पास खुले हुए हैं, जैसे फॉर सपोज कैसे आपने 7 को यूज़ कर लिया, देन आपने यूज़ कर लिया फॉर सपोज 8 को यूज़ कर लिया, और देन 8 को यूज़ कर लिया, देखो नंबर तो यहाँ रिपीट कर रहे हैं है ना, क्योंकि 788 क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसमें एग्जैक्टली 7 वन टाइम्स है, और यहाँ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि है ना भी रिपीटेशन इज़ अलाउड और नॉट है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि 100 to 1000 के बीच में आपको सब लेना है, तो आपकी सेंस होनी चाहिए कि 788 है ना, यहाँ तो ऑलरेडी नंबर रिपीट कर रहा है, और वो केस तो अलाउड है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सो योर आंसर फॉर दिस है ना, कि जब आपका 100 प्लेस पर 7 रखा है ना, तो 1 into 9 into 9, ओके सो इसको आपने कर लिया 81 वे से, तो कर लिया जब 7 आपका 100 प्लेस पर है, अब आपका जब 7 10th प्लेस पर है, तो 7 आपका जब 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे जब आप रख रहे हो, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही ना, 9 टोटल 10 digits में
आपके पास यहाँ सेवन ही रखना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई आप ले नहीं सकते, आपके पास तो यहाँ एक ही तरीका है सेवन को, बस आपको ले लेना और तो कोई वे नहीं है ना, आपको कोई और डिजिट मिलने नहीं जा रहा वन वे। चलो अब आप सोचो 100 प्लेस पे तो आपके पास ऑप्शन है डिजिट रखने का, और यहाँ आपको अभी तक के है ना टॉक्स में ये पता चल गया होगा बातों में कि यहाँ जीरो तो आप नहीं रख सकते, जीरो रख नहीं रख सकते और सेवन रख भी नहीं सकते है ना, सेवन तो एक ही बार यूज़ करना था, तो टोटल आपके पास ऑप्शन कितना है एक डिजिट स्टिल लेफ्ट है 10 में। नाउ लास्ट पोजीशन पे स्टूडेंट सोचो, लास्ट पोजीशन पे हमारे पास कितना ऑप्शन है, टोटल 9 ऑप्शंस है। ओके सो 8 × 1 × 9 सो यू हैव 72 ऑप्शन है ना वेज टू डू दिस टास्क। ओके नाउ लास्ट है ना, जब आपने कहाँ पुट किया है यूनिट प्लेस पर, तो यूनिट प्लेस पर आपने 7 पुट किया, आपके पास कोई और लेटर का ऑप्शन नहीं तो 1 × 2 है ना। चलो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, आपके पास यहाँ जीरो रख नहीं सकते, यहाँ सेवन रख नहीं सकते है ना, नहीं रख सकते ये सब है ना, नहीं रख सकते, तो आपके पास कितना ऑप्शन 8 ऑप्शन, और यहाँ पर टोटल आपके पास 2 है ना, यहाँ पर 7 तो रखना नहीं है तो आपके पास यहाँ पर कितना ऑप्शन होगा 9 ऑप्शन है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 × 9 × 1। ओके सो आपका आंसर कितना हो गया स्टूडेंट 72। सो आपने टास्क 81 वे से यहाँ इस केस में 72 वे से कंप्लीट किया और यहाँ पर 72 से है ना वे से कंप्लीट किया। सो 81 + 72 आपका कितना हो गया स्टूडेंट 225 वे से आपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट ये हम लोग का बेसिक्स क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने वेरी ग्राउंड जो हम लोग का जीरो टू हीरो है ना जीरो की बात है, तो जीरो लेवल पर हम लोग है ना वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत बेसिक्स को समझ रहे हैं। यहाँ अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आगे जो फार्मूलाज अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है NPR और NCR को लेकर के फिर सर्कुलर परम्यूटेशन होना है, यहाँ पर हम आपको बता दें PU एग्ज़ाम्स में क्लर्क के एग्ज़ाम्स में खासकर SBI है ना ये सब में आपका बहुत है ना वेरिंग क्वेश्चंस जो आते हैं है ना, आप इसको परम्यूटेशन को ईजिली टैकल कर लोगे, आप इन बेसिक्स को अगर अच्छे से समझते हो तो यू कैन श्योरली डू दिस। और आपको लग रहा होगा कि हम समझाने में बहुत समय लग रहा है, सो स्टूडेंट अभी बहुत बेसिक्स लेवल पे हैं और है ना सभी को स्टूडेंट्स को कवर अप करते हुए चलना है, सो आई एम टेकिंग एलाबोरेट है ना इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं टोटल। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग का ट्यूजडे को अवेलेबल होगा स्टूडेंट 5 PM है ना, आप इस सीरीज़ को ज़रूर है ना नीडी स्टूडेंट्स तक शेयर करिए है ना, और होप यू लाइक द सेशन एंड डू कमेंट ऑन द इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी वेयर। ओके सो यू कैन कमेंट ऑल, सो होप यू लाइक द सेशन। ओके सो डू प्रमोट अस, थैंक यू।